अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वरुण राजीव जायसवाल सरदार अताउल्लाह मंगल को उनकी सियासी सामाजिक और कौमी खिदमत पर खिराजे इज़्ज़त पेश करती हूँ। सरदार अताउल्लाह मंगल की सियासी नजरिया और फलसफा से बात करने के लिए यकीनन बहुत वक्त चाहिए होगा, 3-4 मिनट की तकरीर में वो मुमकिन नहीं। सरदार अताउल्लाह मंगल ने अपने नजरियात और कुर्बानियों से ये साबित कर दिया है कि वो बलोच तारीख में एक हैद है। उनकी कुर्बानियां बलोच तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। सरदार अताउल्लाह मंगल ने तालीम की बात की तो उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। कौमी हिम्मत की बात आई तो सरदार अताउल्लाह मंगल ने असेंबली से सरदारी निजाम के खात्मे के कानून पास करवाया। सरदार अताउल्लाह मंगल की नजरियात हमारे लिए मशाल राह है और हम आज भी उनके नजरिए से उनका जो नजरिया उन्होंने जो मशाल जो चलाया उसकी रोशनी अरसों पहले ये शौहर की सूरत ये सब उनकी कुर्बानियों की बदौलत है। सरदार अताउल्लाह मंगल ने एक जगह फरमाया था कि बलोच एक दूसरे के पैर मत कीजिए, खुद को कमजोर मत करें, बल्कि इत्याद और यकजहती की बात करें। जरूरी समझ के है कि बलोच सियासत में सरदार अताउल्लाह मंगल की नजरिए का सहारा ले। अगर सियासत के मैदान में बलोच कुछ करना चाहते हैं तो वो सरदार अताउल्लाह मंगल की जिंदगी का मुताला करें। सरदार अताउल्लाह मंगल ने फरमाया था, मुझे गुलामी की कोई शक्ल कबूल नहीं, मैं बलूचिस्तान का जंग लड़ रहा हूँ। ये जंग मेरे लिए इस तरह फर्ज बनाया जैसे किसी मुसलमान के लिए नमाज। बलूचिस्तान की जंग मैं अपने हाथों से लड़ूं, दिल से या दिमाग से, ये वो इसे गद्दारी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे लिए एजाज है। और हाँ, ये हम सब के लिए एजाज है कि हमने अपने राजी रायशों से शौर सीखा और आज हम अगर इस शौर की रोशनी को देख रहे हैं तो ये उनकी बदौलत है। मैं उनको उनकी कौमी और नजरियाती खिदमत पर एक बार फिर से अकीदत खराज अकीदत पेश करती हूँ। नजरिया सलामत रहे, जद्दोजहद सलामत रहे, इत्याद और यकजहती सलामत रहे। और हम सब को चाहिए कि हम इत्याद और यकजहती की सिर्फ बात नहीं करें, इस पर अमल करें। जिस तरह सरदार अताउल्लाह मंगल ने की, बलूचिस्तान में नापाक होने वाला सबसे पहला नौजवान सरदार अताउल्लाह मंगल के फर्जंद असद मंगल और उनके दोस्त अहमद शाकुर थे, उन्होंने कुर्बानियां दी और इस चमन की अभी प्यारी थी। हम सब को चाहिए कि हम उनकी नजरियात को अपनाएं और अपना जद्दोजहद जारी रखें। आप सब सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।